हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने कल शुरू किया था लेसन स्टैटिस्टिक्स, और इसमें मैंने आपको बताए थे मीन, मोड और मीडियन। तीन हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, वो करवाए थे। उम्मीद है मीन के तीन मेथड थे, दो हमारे सिलेबस में है, एक इस बार नहीं है। वो दोनों अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे, नहीं आए उनकी और प्रैक्टिस कीजिए, नहीं है दोबारा वीडियो देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। 14.1 मैंने बोली थी करने को, कुछ बच्चों के नोट्स आए हैं, जिनके नहीं आए वो कीजिए। अब हम शुरू कर रहे हैं मोड ऑफ ग्रुप डॉट। मोड, मोड क्या होता है? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, मीन्स जो सबसे ज़्यादा बार आया हो सिंपल डाटा में। लेकिन अब हमारे सिलेबस में जो है वो क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी के साथ है। जैसे मीन वाला क्वेश्चन आता है उसी में मोड निकालना भी आ सकता है। अब आपके पास 14.2 में मिलेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में मीन भी निकालो मोड भी निकालो, मीन भी निकालो मोड भी निकालो। अब आपके मीन के दो मेथड करवा दिए हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर आपके पास मेथड का नाम मेंशन होता है तो आपको वो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा के लिए मोड, सिंपल डाटा हो मोड तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार है दैट इज मोड। ग्रुप के लिए क्या करते हैं? इन द अनग्रुप डाटा द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर इज द मोड ऑफ द सीक्वेंस, बट इन द ग्रुप डाटा वी कैन फाइंड द क्लास इंटरवल ओनली विच हैज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी दैट इज मॉडल क्लास। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मॉडल क्लास होती है। फिर उसमें मोड निकालते कैसे हैं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला को लर्न करना है अच्छे से, और समझा भी देती हूँ क्या है। मोड इज इक्वल टू एल, इट इज़ एल, एल इज़ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मॉडल क्लास, और उसकी जो लोअर लिमिट होती है दैट इज़ एल। एफ वन, एफ वन इज फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास होती है उसके सामने जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज़ एफ वन। एफ ज़ीरो वन से कम हो गया ना, तो इससे ऊपर वाली, यानी कि एफ ज़ीरो इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास, प्रोसीडिंग ऊपर वाली, पहले वाली। फिर उसके बाद ये टू एफ वन, एफ वन यही वाला, एफ ज़ीरो यही वाला, माइनस एफ टू, एफ टू एफ वन से बड़ा हो गया, यानी कि सक्सीडिंग उससे आगे वाली क्लास। और एच क्लास इंटरवल साइज, जैसे ज़ीरो टू टेन, टेन टू ट्वेंटी, कितना गैप है टेन टेन का, दैट इज़ एच। तो ये आपको क्वेश्चंस में एक एग्जांपल बताऊंगी, एक एग्जांपल में सारी ये वैल्यूज लगाकर कैलकुलेट करके बताऊंगी। फिर आपको एक्स 14.2 आपको करनी है, उसके मैं पीडीएफ तो भेजूंगी, फिर भी आपको करनी खुद ही है वो। तो फार्मूला दोबारा से देख लीजिए, एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच। क्लियर, एल इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एच इज क्लास इंटरवल साइज, एफ वन फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ ज़ीरो फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग क्लास, एफ टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। अब ये एग्जाम्पल है, द टेबल ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज गिवन, फाइंड द मॉडल क्लास एंड द मोड। इसमें मॉडल मीन्स मीन मोड निकालना है, ठीक है। मार्क्स है 0 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स इट इज फ्रिक्वेंसी 4, 8, 6, 7, 5। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपको नंबर फ्रिक्वेंसी में क्या दिखाई दे रहा है, 8। तो मॉडल क्लास क्या हो गई, 20 टू 40। ये मॉडल क्लास अगर 1-1 मार्क्स में भी आ सकता है, इसकी मॉडल क्लास क्या है 20। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L 20, F 1 8, F 0 4, F 2 6, F 1 तो वही फ्रिक्वेंसी, F 0 इससे पहली वाली, F 2 इससे आगे वाली। F जैसे F 1 आगे तो F 2 होगी, इससे पहले F 0 होगी, याद रहेगा। अब देखिए लोअर लिमिट 20, मॉडल क्लास ये हो गई। हेयर वी कैन से दैट द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 8 इज 20 टू 40। सो दिस इज आवर मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 20, क्लास इंटरवल कितना गैप है 20 20 20 20 का गैप है 20, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 8 एफ वन, फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग क्लास एफ ज़ीरो 4, फ्रिक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास एफ टू 6। ठीक है, अब इसको उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 20
प्लस एट माइनस फोर, टू मल्टीप्लाई एट, टू एफ वन है ना, एफ वन एट था, टू एट था 16, माइनस फोर माइनस सिक्स इंटू 20। अब पहले इसको कैलकुलेट करना है, 28 में से 4 माइनस से 4। अब ये ऐसे काटोगे नहीं, कई बच्चे यहाँ काट देते हैं 4 20 4, तो कुछ नहीं काटना, पहले इसको ये जो है ना 8 माइनस 4, और पहले इनको कैलकुलेट करना है, इनको सिंगल टर्म मिलाना होता है, ये याद रखना। यहाँ कैलकुलेशन में बच्चे गलती करते हैं, इतना आसान होता है फिर भी कैलकुलेशन की वजह से मार्क्स नहीं मिल पाते। पहले आपने 8 माइनस 4 ये इनको सॉल्व करना है। अब 6 एंड 4 10, 16 में से 10 गए 6, 20। अब इसको आपने कैंसिल करना है, या जैसे भी 2 3 दा 2 10 दा, तो इस तरह से आ जाएगा, उसको 6 3 से डिवाइड करोगे, 2 3 दा 2 10 दा, 10 फॉर द 40, 40 बाई 3 13.33। अब इस 20 में ऐड कर दोगे 33.33। ये आपकी मॉड का इसी फार्मूले में एल इज लोअर लिमिट, एफ वन फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, एफ ज़ीरो मॉड क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, एफ टू मॉड क्लास के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, और एच वन का गैप, इसमें लगाकर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 14.2 है, इसके 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से करने, कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। तो एक बार मैं नज़र दिखा देती हूँ आपको, और ध्यान से देखना है। एक चीज़ बस मैं एक्स्ट्रा बतानी है आपको, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में एक हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट की ये डाटा दिया गया है, 5 से 15 साल के 6 पेशेंट, 15 टू 25 एज के 11, ये एज ग्रुप है, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है, ठीक है। कहा गया है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आपको मोड निकालने का फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया, मीन का मैंने आपको बता दिया, अब मेरे बिना कहे आप फॉर्मूला देखोगे, वीडियो देखोगे, यू कैन डू, कर सकते हो ना। इसमें नई चीज़ जो बतानी है, जिसके लिए मैंने एक्सरसाइज की है, क्या है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इन दोनों को कंपेयर करना है मोड और मीडियम। अब मोड के लिए देखो, इसमें इसको बता देती हूँ दोबारा से, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 23, तो मॉड क्लास क्या हो गई 35 to 45, ये मॉड क्लास हो गई। लोअर लिमिट क्या हो गई 35, एफ वन क्या हो गई 23, एफ ज़ीरो इससे पहले वाली 21, एफ टू इससे आगे वाली 14, एच क्या हो गया 5 to 10, 15 to 10 का गैप है। अब इस फॉर्मूले में लगा देंगे, 35 प्लस 23 माइनस 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, और ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, देखो इसको पहले सोल्व करेंगे, 23 में से 21 गए 2, ये 46 हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे 35, अब क्या करेंगे 35 प्लस ये 2 10 द 20 बाई 11, 20 को 11 से डिवाइड करोगे 1.8, 35 में ऐड करोगे 36.8, ये मोड आ गया। मीन मैंने इसमें नहीं निकाला है, मीन आप खुद निकालोगे, क्योंकि पहले मेथड बता चुकी हूँ, आपकी चॉइस है, कोई डायरेक्ट मेथड से करेगा, कोई एज्यूम से, इसीलिए मैंने मीन निकालना नहीं है, लिख दिया है। मीन के लिए वी कैन फाइंड, आपने लिखना है, आपने सॉल्व करना है, ये मैंने गैप छोड़ा है, जहाँ आपने मीन निकालना है, मीन निकालोगे किसी भी फार्मूले से, मैंने इसलिए नहीं किया, किसी को डायरेक्ट इजी लगता रगला रहा होगा, किसी को एज्यूम्ड सही लग रहा होगा, तो आपकी चॉइस है, इसलिए मैंने मीन यहाँ नहीं निकाला, आपको दोनों मेथड बता दी हैं, मीन आपको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन निकाल दिया 35.37, मोड निकाला 36.8। अब उसने कहा था स्टेटमेंट में कंपेयर एंड इंटरप्रेट, कंपेयर करने पर क्या पता चला हमें, इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन दैट एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल इज 35.37, मीन निकला ना, ये लिखा, इसका मतलब क्या है कि एवरेज एज ऑफ पेशेंट, और अगर मोड के लिए कहें दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ 36.8 ईयर, ये आपने इंटरप्रेट किया। जो मीन निकाला इससे हमें क्या पता चलता है, मीन्स एवरेज एज ऑफ पेशेंट जो एडमिट है ना, उनकी एज क्या है 30.37, और मोड के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि मैक्सिमम नंबर वो 36.8 ईयर्स एज के पेशेंट एडमिटेड, ये इंटरप्रेट करना है। मीन वाला एवरेज में आ जाता है और ये वाला मैक्सिमम में आ जाता है, ठीक है, ये फर्क है। अब सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, मॉडल यानी सिर्फ इसमें मोड निकालना है आपको, वही फ्रीक्वेंसी 61 सबसे ज़्यादा है, ये मॉडल क्लास हो गई, लोअर लिमिट 60, एफ वन 61, एफ ज़ीरो 52 और एफ टू 38 और एच क्या है 20, वैल्यू लगा देंगे 60 प्लस 61 माइनस 52, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20, 61 में से 52 गए 9, इसको मल्टीप्लाई किया 122,
इन ये माइनस इसको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 32 ऊपर 9, इसको कर देंगे 180 को 32 से डिवाइड 5.625, 64.625। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन में मीन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है। ये मॉड निकाल दिया उसी मेथड से, ठीक है, और मीन आपने अपने किसी भी मेथड से करना है, एनी मेथड, ठीक है ना। लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना है। फोर्थ क्वेश्चन में मॉड और मीन दोनों निकालने हैं, ये मॉड निकाल दिया, मीन आपको खुद निकालना है। मीन मैंने जान के नहीं यहाँ सॉल्व किया, क्योंकि किसी को डायरेक्ट मेथड पसंद है और किसी को एज्यूम्ड मीन, आपने अपनी चॉइस से करना है। नहीं निकलेगा मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी। फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, मोड निकालना है, निकाल दिया, सिर्फ मोड ही निकालना है। सिक्स क्वेश्चन में भी सिर्फ मोड निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये 14.2 एक्सरसाइज है, 14.1 मीन वाली और 14.2 मोड वाली, ये दोनों एक्सरसाइजेस आपकी अच्छे से हो जानी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे से इनको करना है, इनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और दोबारा कह रही हूँ, केस स्टडी क्वेश्चन भेजना स्टार्ट कर दो, केस बेस्ड क्वेश्चन, जो जो सिलेबस है किसी भी लेसन का, एक आपने फिगर बनाकर 4-5 क्वेश्चन बनाकर मुझे भेजने हैं, उनके एक्स्ट्रा मार्क्स लगेंगे जो जो बच्चे भेज रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।